सर, जैसे क्रीम शेयर में एलएनटी इंफोसिस में कंटिन्यू ट्रेडिंग किया है मैंने। तो अभी 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 पहली क्वेरी कौन सी, और ये ट्रेडिंग वाली क्वेरी है कि लॉन्ग टर्म वाली? नहीं सर, ये लॉन्ग टर्म वाली है। हाँ मेरे पास इंफोसिस है और 150 शेयर है, 1325 के। 1325 पे, और ये लॉन्ग टर्म के लिए रखा है? जी हाँ, 1-1.5 साल रख सकती हूँ मैं इनको। अच्छा, इंफोसिस पे बात छिड़ रही है तो रेखा जी आपके पास भी इंफोसिस ऑलरेडी है ना? जी भाई सुदीप सर, 1450 की खरीद और 1325 की खरीद पकड़ लेता हूं मैं दूसरी, और ये स्टॉक खड़ा हुआ है मेरे ख्याल से 1450 के आसपास। क्या करना है इन्फी को लेकर? हम सबने गिरा था, क्वालिटी स्टॉक था, सबने एंट्री कर रखी है, पर ये संभला है नहीं अब तक। हालांकि अब तो एक दायरे में कंसोलिडेट कर रहा है, पर बीच में खबरें गड़बड़ है, किसी कॉग्निजेंट की कमेंट्री गड़बड़ाती है, तो कोई यूएस में इन्फी को डाउनग्रेड कर रहा है कि यहाँ से करेक्शन के मूड में बन सकता है स्टॉक। ऐसे में हम रिटेल करें क्या जिनके पास थोड़ी सी ऊपर की खरीद है? देखिए, दो चीज मैं बताऊंगा। पहली बात तो है, जैसे आप कह रहे हैं, जो 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 मुनाफे आ रहे हैं, जो कमेंट्री आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, और आईटी कंपनीज के लिए अगला 2-3 क्वार्टर दबाव रहेगा, ये बिल्कुल साफ है। और इस दौरान कंसोलिडेट होगा, बहुत ज्यादा अपसाइड का गुंजाइश नहीं है, ये मैं जरूर कहूंगा। पर अगर किसी के लिए, किसी को कोई एक्यूमुलेट कर रहा है, अपना पोर्टफोलियो बना रहा है लंबी अवधि के लिए, तो इंफोसिस तो जैसे मतलब बेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के स्टॉक्स है, टॉप क्लास मैनेजमेंट है, हमेशा अच्छा रिजल्ट देते आ रहा है, डिविडेंड पेइंग है, बाईबैक आता है बीच बीच में, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। पर बड़ा एप्रिसिएशन बहुत जल्द नहीं देखने को मिलेगा, और आप जो थोड़ा लॉस में है, शायद यही मेंटेन होगा कुछ दिन तक। ये कंसीडर करके, अगर आप यहां से एग्जिट करके और किसी क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं अगला 6-9-12 महीने के लिए, तो शायद वो आपके लिए सही होगा। पर अगर आप निवेशित रहना चाहते हैं, पोर्टफोलियो बना लिया, आप इसको छोड़ देते हैं, तो फिर निवेशित रहिए। ये है कहानी इन्फी की, दो गोली सॉल्व हो गई एक साथ।